हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हालांकि मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये टेक्निकल चैनल नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी रिचर्ड्स और ऑफर के बारे में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो इससे पहले भी मैंने रिचर्ज कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, ऑफ़र कैसे मिलता है, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि अमेज़न में आपका जो प्रीपेड मोबाइल होता है, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये सभी जो प्रीपेड मोबाइल होता है ये कैसे रिचार्ज करना है, और अमेज़न में अभी चल रहा एक ऑफ़र के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर अमेज़न में चल रहा ऑफ़र के बारे में आपको जानना होता है तो आपको अमेज़न जो एप्लीकेशन है वहाँ पे जाना होगा। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद ये देखिए, ये जो रिचार्ज वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे दो दो ऑफ़र हैं। ये देखिए, फर्स्ट टाइम रिचार्ज ऑफ़र जो देता है 30% कैशबैक, और ये मैक्सिमम आपको देता है 100 रुपये। और ये जो ऑफ़र है दोस्तों, ये ऑफ़र सिर्फ फर्स्ट टाइम रिचार्ज में ही आपको मिलेगा। अगर फर्स्ट टाइम आप रिचार्ज करते हैं और मानिए कि आप 333 रुपये के, यानी कि 333 का रिचार्ज करते हैं, 333 का रिचार्ज करते हैं, तो आपको 100 रुपये कैशबैक मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम रिचार्ज के लिए है। और अगर आप रिपीट रिचार्ज करना चाहते हैं, यानी फर्स्ट टाइम के बाद आपको जो देता है वो है 30% कैशबैक, और वो मैक्सिमम ₹30 का होता है। ये आपको रिपीट रिचार्ज में मिलता है। ठीक है, यानी कि आप अगर 100 रुपये का रिचार्ज करेंगे तो आपको 100 का 30%, यानी कि 30 रुपये आपको कैशबैक में मिलेगा। ठीक है, अगर आप 50 करते हैं तो आपको 15 रुपीज़ मिलेगा, 15 रुपये आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, रिचार्ज कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिपीट रिचार्ज का जो ऑप्शन है यहाँ पे टच करते हैं। टच करने के बाद इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। ये फर्स्ट वाला आपको चूज़ नहीं करना है, सेकंड वाला आपको चूज़ करना है। ठीक है, सेकंड वाला ये जो है रिपीट रिचार्ज का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों, आपको जो 10 डिजिट मोबाइल नंबर है, जो नंबर आप रिचार्ज करना चाहते हैं, वो नंबर नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, और आप यहाँ से अपना कॉन्टैक्ट्स में भी डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट्स में मैं जाता हूँ, ये देखिए कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद मेरा जो नंबर है वो नंबर मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मेरा नंबर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरा नंबर है। और यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे देख पा रहे हैं, ये नंबर 9932 से शुरू होता है, यानी कि एयरटेल का नंबर था कभी एक समय, लेकिन अभी ये एयरटेल का नंबर नहीं है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे एडिट का जो ऑप्शन मिलता है, ये एडिट का ऑप्शन, एडिट का ऑप्शन में जाना पड़ेगा। जाने के बाद आपको आइडिया का नंबर जैसे है वैसे ही आपको ये आइडिया सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, ये देखिए आइडिया का नंबर सिलेक्ट करना होगा। अब इसे सर्कल, कौन सा सर्कल में है ये, जैसे कि ये वेस्ट बंगाल का है, तो वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार का जो सर्कल है ये मैं सिलेक्ट करता हूँ। देखिए, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ डायरेक्ट अमाउंट देना पड़ेगा। यहाँ आपको प्लान भी दिखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे एक सुझाव देना चाहता हूँ, व्यू प्लान्स में जाने से पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्लान दिखता है सभी समय ये काम नहीं करता है। तो आपको अपना नंबर से ही आपको ऑफर देखना पड़ेगा। देखने के बाद यहाँ को आप यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, अमाउंट जो है यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा ऑफ़र देखने के बाद। जैसे कि मेरा जो ऑफ़र है आइडिया में, वो मैंने पहले से ही देख के रखा हूँ। तो 179 का एक ऑफ़र है, तो मैं 179 का रिचार्ज करने वाला हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ 179 टाइप करके देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ जो व्यू प्लान का जो ऑप्शन है, व्यू प्लान में जाके भी आप 179 सिलेक्ट करते हैं, वो भी अब मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए बैक करते हैं। अब जो व्यू प्लान का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाते हैं, व्यू प्लान। व्यू प्लान में जाने के बाद देखिए, 179 का एक ऑफ़र चल रहा है आइडिया में अभी। ये देखिए 179 ये ऑफ़र है, देख लीजिए। अब इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए, मेरा अमेज़न पे बैलेंस में कुछ रुपए है, 204।
204 रुपये 50 पैसे है, तो यहाँ से मैं खर्च खर्च करने वाला हूँ। तो अब पे का जो ऑप्शन है, ये देखिए पे का ऑप्शन है, पे का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पे कर देता हूँ। अच्छा, पे करने के बाद ये देखिए दिखा रहा है, थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग हैज़ बिन प्लेस्ड, मोबाइल नंबर दिखा रहा है, रिचार्ज अमाउंट, योर ऑर्डर आईडी। अमेज़न में ऐसे ही होता है दोस्तों, अमेज़न में ऐसे ही होता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है चेक योर ऑर्डर स्टेटस, यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर स्टेटस चेक कर सकते हैं, यानी कि आपने जो रिचार्ज किया है वो रिचार्ज का स्टेटस आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये देखिए ये जो ऑर्डर डिटेल है, पेमेंट मेथड अमेज़न पे बैलेंस, और ये देखिए परचेज डिटेल, वी प्रोसीड योर रिचार्ज ऑर्डर सक्सेसफुली, यानी कि ये सक्सेस हो चुका है। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों ये ऊपर नोटिफिकेशन में मेरा मेल भी आ चुका है, मैसेज भी आ चुका है। चलिए देखते हैं, मैसेज खोल के देखते हैं। ये देखिए नीचे वाला जो है, योर पेमेंट अमेज़न यूजिंग सक्सेसफुल, ओके। और ये देखिए थैंक यू फॉर रिचार्जिंग 179, ओके। चलिए बैक करते हैं, मेल मेल में जाके भी चेक करते हैं। ये देखिए मेल में जाके चेक करते हैं, ये देखिए ये देखिए योर कैशबैक ऑफ 53.7 179 का 30% मुझे बैक मिला है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हियर 53.7 कैशबैक, ओके। ये देखिए ये मेरे अमेज़न का पे बैलेंस है, 25 रुपये 50 पैसे पहले का, और अभी जो मिला है 53 रुपीज़ 70 पैसे, ओके दोस्तों। तो आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ कैसे आपको अमेज़न पे बैलेंस में कैशबैक मिलता है, रिचार्ज कैसे आपको देखना होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया है। चलिए मैं यहाँ पे आपको मेरा अमेज़न पे बैलेंस का जो बैलेंस होता है वो चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए अमेज़न पे जाते हैं, अमेज़न पे का बैलेंस है मेरा 79.2, यानी कि 25.5 पहले का था और मुझे अभी मिला है 53.7 प्लस 25.5 यानी कि 79.2। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि फर्स्ट टाइम जो रिचार्ज है, फर्स्ट टाइम रिचार्ज में आपको 30% कैशबैक मिलता है, वो मैक्सिमम 100 रुपये होता है, 100 रुपीज़ आपको मिलेगा। तो मैंने मेरा जो पहला का रिचार्ज था 179 का, वो मेरा पहला रिचार्ज था अमेज़न में, इसलिए मुझे 179 का 30% यानी कि 53.7 रुपीज़ मुझे कैशबैक मिला है। उसके बाद मैंने दोबारा एक रिचार्ज किया था, रिपीट रिचार्ज का जो ऑफर देता है अमेज़न, ये देखिए गेट 30% कैशबैक अप टू 330 रुपीज़, यानी कि आप जितने भी रिचार्ज करेंगे उसका 35% आपको कैशबैक मिलेगा। ये तो सही है, लेकिन वो मैक्सिमम 30 रुपीज़ होगा। ठीक है, वो मैक्सिमम 30 रुपीज़ होगा। तो ये मैं करके ये तो रिचार्ज करके आपको नहीं दिखा सकता, तो मैंने रिचार्ज पहले उसके बाद एक रिचार्ज किया था वो आपको दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं, ये देखिए ये मेरा पहले वाला रिचार्ज था 179 का, ये देखिए इसके अगेंस्ट मुझे 53.7 रुपीज़ कैशबैक मिला था। उसके बाद ये रिचार्ज मैंने किया था, जियो का एक नंबर रिचार्ज किया था, देखिए देखिए ये उसका ऑर्डर आईडी है,
ठीक है, 159 का रिचार्ज किया था, 149 का रिचार्ज किया था, इसके अगेंस्ट मुझे 30 रुपीज़ कैशबैक मिला है। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए अमेज़न, ये अमेज़न पे बैलेंस है, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा, ये देखिए व्यू स्टेटमेंट का ऑप्शन, यहाँ पे जाते हैं। ये देखिए मैंने जो 149 का रिचार्ज किया था उसके अगेंस्ट मुझे कैशबैक रिसिप्ट, कैशबैक रिसिप्ट अमेज़न डॉट इन 18th December 2018। देखिए ये देखिए 30 रुपीज़, ये देखिए वो ऑर्डर आईडी यहाँ पे दिखा रहा है, 149 का जो रिचार्ज किया था उसका ऑर्डर आईडी ये है। बैक करके देख सकते हैं, ये एक ही ऑर्डर आईडी है, ठीक है। तो 30 रुपीज़ मुझे कैशबैक मिला था, और पहले का कैशबैक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 53.70 पैसे, ये देखिए 53.70। इसके ऑर्डर आईडी देखिए, इसके ऑर्डर आईडी ये है, ठीक है। और इसके ऑर्डर आईडी मैं फिर से दिखाता हूँ 30 रुपीज़ का, ये देखिए ऑर्डर आईडी। बैक करके फिर से दिखाता हूँ आपको, ऑर्डर्स में जाते हैं, चलिए ऑर्डर्स में जाते हैं। ये देखिए ये जियो वाला लास्ट रिचार्ज था 149 का, ये देखिए ऑर्डर आईडी सेम है। और पहले वाला रिचार्ज यानी कि ये वाला रिचार्ज, ये देखिए इसका ऑर्डर आईडी, ये देखिए ऑर्डर आईडी, ठीक है 179। तो दोस्तों सब कुछ आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ कैसे कैशबैक मिलता है। फर्स्ट वाला जो रिचार्ज का ऑप्शन है वहाँ पे आपको 30% मिलता है और मैक्सिमम 100 रुपीज़। सेकेंड टाइम आप जब भी रिचार्ज करेंगे हर रिचार्ज में आपको 30% कैशबैक आएगा, मतलब 30% मतलब अगर आप 300 का रिचार्ज करते हैं, 300 का 30% तो 90 रुपये होता है, लेकिन 90 रुपये आपको नहीं मिलेगा, ये मैक्सिमम 30 रुपीज़। ओके, मैक्सिमम 30 रुपीज़ आपको कैशबैक मिलता रहेगा, आप रिचार्ज करते रहिए, आप कैशबैक का मज़ा लेते रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।